और बालू खनन खुलेआम हम लोग देखते हैं। आप चले जाइए हाईवे पे, आप चले जाइए गांव देहातों में, ट्रक के ट्रक भरे हुए निकल रहे हैं और दिन दहाड़े। चिंता की बात यह है कि ये तमाम बातें दिन दहाड़े होती हैं। लगभग पौना घंटा तक हम खुद वहां पे मौजूद थे और पौने घंटे तक किसी डॉक्टर ने वहां पर आना वहां पे जरूरी नहीं समझा। ये यहाँ के अस्पतालों के हालात हैं और ऐसे अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इनको लाइसेंस मिल जाता है काम करने के लिए। आप उसकी बहन के हालात देखते, बार बार हमारा हाथ हमारी कलाई पकड़ के उसकी बहन रो रही थी कि भैया अब हम किसके हाथ में राखी बांधेंगे। 28 साल का वो नौजवान युवक मिथुन कुमार, पर इसमें किसी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले हम लोग हैंडपंप से हम लोग काम चला लेते, आज आगे देखिए गांव देहात में कहीं पे हैंडपंप काम कर रहा है। हर एक जगह बोरिंग की मांग होती है, क्यों? क्योंकि वो वाटर लेवल इतना नीचे जाता जा रहा है। पर आने वाले दिनों में सुखाड़ प्रदेश ये बन जाएगा, वाटर लेवल से इतने नीचे जाते जा रहे हैं। पहले हम लोग हैंडपंप से हम लोग काम चला लेते, आज आगे देखिए गांव देहात में कहीं पे हैंडपंप काम कर रहा है। हर एक जगह बोरिंग की मांग होती है, क्यों? क्योंकि वो वाटर लेवल इतना नीचे जाता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में ऐसे ही अगर चलता रहा और बालू खनन खुलेआम हम लोग देखते हैं, आप चले जाइए हाईवे पे, आप चले जाइए गांव देहातों में, ट्रक के ट्रक भरे हुए निकल रहे हैं और दिन दहाड़े। चिंता की बात यह है कि ये तमाम बातें दिन दहाड़े होती हैं। आप चले जाइए किसी भी नदी के किनारे, वहां पे दिन में ही आपको ट्रक लगे हुए दिखेंगे। तो क्या कर रहे भैया स्थानीय प्रशासन? क्या ये स्थानीय प्रशासन के संरक्षण में नहीं हो रहा है? जमुई में तो कम से कम मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं, क्योंकि 2 दिन में 2 हत्याएं हुई है वहां पर। एक तो प्रभात जी जिनका हमने जिक्र किया, अभी दरोगा जो थे वहां पर, उसके बाद एक युवक, नौजवान युवक, जिसकी कल पटना में हत्या हो गई। अब इसका दोषी कौन बताइए? कल हम और अरुण बाबू वहां पर गए थे, जब उसका इलाज वहां पर चल रहा था, दिन भर हम लोग लगे कि भाई कैसे उसको खून दिया जाए। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता दिन भर इसी में लगे रहे कि 2 यूनिट 3 यूनिट खून कैसे उसको वहां पे उपलब्ध करा दिया। उसके बावजूद उसकी जान को वहां पे डॉक्टर्स नहीं बचा पाए। डॉक्टर्स तो तब बचा पाते जब डॉक्टर्स वहां पे होते। लगभग पौना घंटा तक हम खुद वहां पे मौजूद थे और पौने घंटे तक किसी डॉक्टर ने वहां पर आना वहां पे जरूरी नहीं समझा। ये यहाँ के अस्पतालों के हालात हैं और ऐसे अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इनको लाइसेंस मिल जाता है काम करने के लिए। और पलट कर कोई देखना तक जरूरी नहीं समझता कि क्या उन अस्पतालों में ठीक से इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? भाई हम सब के घर परिवार में कभी ना कभी कोई ना कोई बीमार पड़ता है, और अगर इस पे आज अगर हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो एक 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 करके आज दूसरों के परिवार के लोग गए, कल को हमारे परिवार के लोग जाएंगे। पर ये व्यवस्था यहां पर ऐसी ही बनी रहेगी। कल हमारा वो वीडियो आप सब लोगों ने देखा होगा, भाई हम किसी को दिखाने के लिए हम गुस्से में नहीं थे, स्वाभाविक है भाई। आप उसकी बहन के हालात देखते, बार बार हमारा हाथ हमारी कलाई पकड़ के उसकी बहन रो रही थी कि भैया अब हम किसके हाथ में राखी बांधेंगे। 28 साल का वो नौजवान युवक मिथुन कुमार, पर इसमें किसी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एक बार जाकर देखना तक जरूरी नहीं समझता। ये बिहार के अस्पतालों के हालात। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ले लीजिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा अर्जित करने की मशीनरी बना रखी है और डेड बॉडीज उनके लिए पैसा बनाने का उपकरण बन के रह गई, सिर्फ एक मशीन बन के रह गई। हम अगर वहां पे नहीं जाते तो 1 लाख रुपया वहां पे मांगता उस डेड बॉडी को देने का, और संभवतः अभी तक वो डेड बॉडी नहीं देता। और ये कम ज्यादा हम सब ने कहीं ना कहीं अनुभव किया। क्या कर रही है सरकार इसके ऊपर? कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। कितनी जगह ऐसी डेड बॉडीज को रिलीज कराने चिराग पासवान या हमारे नेता पहुंच जाएंगे, पर जिनकी जिम्मेदारी है वो तो पहुंचे कम से कम। और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्या वहां पे डॉक्टरों के अभाव में या इलाज के अभाव में ही उसकी जान गई, या कोई ये बालू माफिया उन्होंने मिली जुली भगत से वहां पे उसकी हत्या करवाई। क्योंकि ये माफिया नहीं चाहता था कि वो होश में आए, क्योंकि लोअर बॉडी के नीचे एक्सीडेंट हुआ था, उसकी जान पे उसके थाई के ऊपर ट्रक चढ़ के गया था। यकीनन ब्लड लॉस हुआ है, पर इतना ब्लड लॉस तो नहीं हुआ कि उसकी जान चली जाए, और वो भी महज 24 घंटे के भीतर उसकी जान चली जाए, वो भी तब जबकि हम लोग वहां पे ब्लड
प्रोवाइड कर रहे हैं, और संभवतः अभी भी एक यूनिट ब्लड तो वहां पे वैसे ही पड़ा होगा अनयूज। तो क्या वहां पे बालू माफिया के लोग थे जिन्होंने डॉक्टर्स के साथ मिलीभगत करके वहां पे इस बात को सुनिश्चित किया कि ये आदमी कभी बच ही ना पाए? ये तमाम चीजें एक गोरख धंधे के तौर पर चल रही है बिहार में, पर दिक्कत यह है कि इसके ऊपर मेरे मुख्यमंत्री का ध्यान ही नहीं है।